तो आज हम जग मशहूर इस फूड स्ट्रीट पे आए हैं वन स्टोर, और ये जो है मशहूर फूड स्ट्रीट है एशिया की, और यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट फूड्स मिलेंगे, कबाब मिलेंगे, वन कबाब मिलेंगे, और उसके अलावा मज़ेदार गोलगप्पे मिलेंगे। और आज जो है हम ट्राई करेंगे बाबू के वन कबाब। दोस्तों, इस गली को जो है रिसेंटली रिनोवेट किया गया है, और यहाँ पर जो अच्छी लाइटिंग की गई है, और रात को 8 बजे के बाद बड़ी गाड़ियाँ अलाउ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मोटरसाइकिल या रिक्शा आ जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो है सीटिंग अरेंजमेंट भी रोड पे किया गया है, काफ़ी रेस्टोरेंट के दखल जो है बाहर रखे हुए हैं, और काफ़ी फैमिलीज आती हैं, और आज वीकेंड है तो काफ़ी रश है यहाँ पे, और यहाँ का फूड जो है काफ़ी मशहूर है। आप यहाँ पे आएँ और ट्राई करें डिफरेंट फूड्स। ये जो है एक पर्टिकुलर फूड स्ट्रीट है, आपको जो है काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे। हाँ, 70 भाई इधर देखो, यही बाबू भाई है ना, बाबू भाई का बेटा है। बाबू भाई कहाँ पे अभी आज रेस्ट कर रहे हैं? किस टाइम आता है? 12 बजे। कब से शॉप है आपका? और इसी जगह पे बंस रोड पे ये बंद कैसे बना दिया? ये बन भी खुद ही बना दे आप। हाँ, चिकन रोल लगा दे इरफान, एक चिकन रोल गोल वाला कितने? एक। आप बोर्ड की थे यहाँ पे आ रही, तो ये कहाँ पे बना दे बन वगैरह? बेकरी से बना दे। बेकरी से बना दे, तो कहाँ पे? इधर ही हमारा कारीगर बना दे। ये घर का बना हुआ है, होममेड है यानी। इसमें क्या क्या चीज़ें? इसमें चने की दाल है, आलू चने की दाल बोल के लिए बनाए, दो प्लेटें बनाओ। आपको फन के अंदर बना के दें या सेपरेट दें? नहीं, बना के दें हमें, बना के हैं कैसे बनाते हैं? मज़ा भी तो इसी में है ना बाबू भाई का बन। अंडे में डिप करके फिर डाल दीजिए आप यहाँ। ये जो है बाबू भाई का मशहूर कबाब है बन कबाब, और हम जो है आज बन कबाब खा रहे हैं बाबू भाई का, जो कि यहाँ पे 161 से है यहाँ पे। और ये जो है बंस रोड का मशहूर कबाब है, आप भी बंस रोड आए बाबू भाई का कबाब खाएँ, काफ़ी टेस्टी है, और इसका बन भी जो है फ्रेश है काफ़ी। और ये जो है टिक्की है दाल की, और उस पर जो है डेरिंग होती है एग की, और काफ़ी मज़े की होती है, तो हम भी ट्राई करके देखते हैं टेस्ट कैसा है, आपको बताते हैं फिर। और ये बाबू भाई की जो चटनी है वो काफ़ी मशहूर है, इसी वजह से जो इनका बन कबाब मशहूर है। दोस्तों, अभी जो है मैं ट्राई करूँगा कि टेस्ट कैसा है इस बन का, आइए देखते हैं। और टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा है इसका, काफ़ी टेस्टी और स्पाइसी है, और इसमें जो चटनी जो है मज़ा दुबला कर देती है। तो आप भी अगर आते हैं बंस रोड पे तो आप भी ट्राई करेंगे बन कबाब, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। खोलते हुए जो एक होता है गरम, ये गरम से ज़्यादा है, गरम से भी ज़्यादा है। ये गाजर का हलवा आज सर्दियों का मौसम है, कभी ज़्यादा सर्दियों के मौसम की सौगात है गाजर का हलवा, जिसने नहीं खाया बहुत बदनसीब है। आप लोगों ने खा लिया है ना? नहीं खाया चाहिए, बदनसीब हो। ट्राई करेंगे, क्या क्या हिसाब है इसका गाजर के हलवे का? ये लोग ट्राई करो हमारी तरफ से, आप दोनों भाई बताओ कितना टेस्टी है। थैंक यू दोस्तों, अभी हम गाजर का हलवा ट्राई करेंगे। अभी गाजर का हलवा ट्राई किया, टेस्ट जो है काफ़ी बेहतरीन है। और ये नसीब हो गया।
ये चावल से बनती है, चावल के आटे से। ये क्या है, इसके नाम क्या है सर? ये चावल जैसे यानी कि चावल के आटे की फिलिंग है ना, चावल के आटे को आटे की शक्ल मिला के उसको बनाते हैं। और ये गुलाब जामुन बड़े हैं वो छोटे हैं? जी सर, ये छोटे हैं और वो बड़े हैं। कुछ लोग छोटे खाना पसंद करते हैं, कुछ बड़े खाने बड़े खाना, ये इलायची जामुन कहलाती है। इनके क्या रेट है अगर आप? सर ये 100 रुपये के 4 हैं बड़े वाले, छोटे वाले 100 रुपये के 8। फ्लेवर सेम ही है? फ्लेवर सेम ही दोनों का सेम है, इसमें थोड़ी इलायची दे देते इसकी वजह से थोड़ा सा फ्लेवर में, लेकिन आपको खाने में फ्लेवर सही सही। लाल जलेबी, लाल जलेबी कौन है इसका मामला है? काम तो हो जाएगा, बोलते हैं लड़कों को, बोलते हैं 100 रुपये के पार्सल कर ले, एक केरे दे दे खा लेंगे। ये जाके लेके आपने मुझे बताओ, बोलो जब मिला कितने आ रहा है आपका? ये मीठी है, खट्टा और स्पाइसी हमारा पानी होता है, खट्टा और स्पाइसी पानी होता है आपका, वो उस तरफ पड़ा हुआ है जी, वो भर रहा। ये दही, ये दही है मसाले वाला। यार एक मीठी पूरी की प्लेट देना। थैंक यू। ट्राई कर रहे हैं खट्टा मीठा घूमने पे, आपको बहुत अच्छा है इसका। यूट्यूब चैनल पे आएगा ना आपका, नाम क्या है? नबील भाई के नाम से, नदीम भाई के। कब से है ये आपके शॉप? ये भाई बहुत पुराना, मेरे को तो 8 साल हो गए, वैसे ये 40-45 साल से लगा हुआ। कितने का ये गिलास? 50 रुपए का। आपको कौन सा पीना? बस कोई भी जो आपका स्पेशल हो हमें खिला दें, ताकि हम बताएं कि लोगों को क्या अच्छा है। भाजी आपका एक
स्पेशल हो आपका? उनका है, आपका अभी तैयार कर दूँ। मिनट है, ये कॉकटेल बना रहा हूँ। कॉकटेल बना रहे हो? ये भाई हमारे लिए कॉकटेल बना रहा है स्पेशल, हमारे यूट्यूबर भाइयों के लिए। और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है। ये बोतल वाले थोड़े में नहीं बनाऊंगा, अपने थोड़े में बनाऊंगा। खड़े हुए हैं और यहाँ का लिमका ट्राई करेंगे। जो भाई ने जो है स्पेशल कॉकटेल लिमका बनाया है हमारे लिए, अभी जो है इसको ट्राई करेंगे। काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है, मिक्स फ्लेवर्स हैं, काफ़ी मज़ेदार। दोस्तों ये था हमारा फूड ब्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।